दोस्तों आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि स्पेस टाइम में टाइम ही फोर्थ डायमेंशन है, पर आखिर आइंस्टाइन ने ऐसा क्यों कहा कि टाइम फोर्थ डायमेंशन है? तो आइए इसी चीज को समझते हैं बड़ी ही सिंपलीफाइड तरीके से। दरअसल दोस्तों हम सब ये जानते हैं कि हम 2D में किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ और ब्रेथ को कंसिडर करते हैं, और वही 3D में हम उस ऑब्जेक्ट के लेंथ ब्रेथ और हाइट को भी कंसिडर करते हैं, पर वही फोर्थ डायमेंशन में टाइम भी एड हो जाती है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट के स्पेस के साथ साथ टाइम का भी पता होना चाहिए। और इसी चीज को डीपली देखा जाए तो आपकी पोजीशन हर वक्त चेंज होती रहती है, भले ही आप एक ही जगह पर बैठे ही क्यों ना हो, क्योंकि टाइम एक लीनियर पाथ में हमेशा आगे बढ़ती रहती है। इसी चीज को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट अस से आप एक एप्पल को अर्थ की तरफ गिराते हो, देखने पर तो ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हो, पर इसी चीज को फ्रेम बाय फ्रेम तोड़कर देखा जाए तो आपको ये पता चलेगा कि वो एप्पल पास्ट से फ्यूचर की तरफ मूव कर रहा है। और इन्हीं कारणों से आइंस्टाइन ने टाइम को फोर्थ डायमेंशन कहा।